सिस्टर हैज आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन है, बहन श्रुति सोनी की जानिब से है जो कि पेशे से टीचर हैं। वो सवाल करती हैं, प्लीज़ क्लेरिफाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अवतारवाद इन हिंदुइज्म एंड प्रोफेटहुड इन इस्लाम और बोथ आर सेम। सवाल है कि हिंदुइज्म में अवतारवाद और इस्लाम में प्रोफेटहुड यानी रिसालत, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या तो फिर ये दोनों एक ही जैसे हैं? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। अवतारवाद और इस्लाम का जो हिंदुइज्म में अवतारवाद और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटहुड का रिसालत को बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अवतार का माना क्या होता है? कोई भी डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो उसके में आपको मिलेगा गॉड इनकार्नेटेड, वो खुदा जो इंसानी शक्ल में पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये हिंदुइज्म का एक बिलीफ है जो कि एक्चुअली वेदांत में नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता है कि भगवद्गीता में है। भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8 और बहुत पॉपुलर श्लोक है ये। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्यमानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है वो सोर्स जहाँ से आता है अवतारवाद। इसका माना क्या है? हे भारत, जब भी अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नुकसान होता है तो मैं अपने रूप को रचता हूँ और साधु संतों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्मियों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। आई डोंट नो कि भगवद्गीता में अवतार के मुताबिक ये है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हिंदू बिलीफ में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो वेदास हैं। वेदास में इसके मुताबिक कुछ नहीं मिलता कि भगवान गॉड इनकार्नेट हो जाता है ह्यूमन फॉर्म में, बल्कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है प्रोफेटहुड का वो क्या है कि अल्लाह ताला इंसानों में से एक इंसान को चूज करता है और उस पर वही नाजिल करता है, वो रसूल होता है, वो पैगाम पहुंचाता है। अल्लाह ताला वो बॉडीली फॉर्म में नहीं आ जाता है, अवतार में ही हो जाता है, इनकार्नेट नहीं कर लेता है, मैनिफेस्ट नहीं कर लेता अपने फॉर्म को। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप देखिए कि वेदास में ये कॉन्सेप्ट कहीं अवतारवाद का आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वेद का और उपनिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिमिलर है इस्लामिक कॉन्सेप्ट से। अगर आप पढ़ें यजुर्वेद अध्याय 38 श्लोक नंबर 3 और श्वेता शास्त्र उपनिषद अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 तो उसमें है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर, कोई इमेज नहीं हो, कोई फॉर्म नहीं लेता। और छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में एक कम एवद्वितीय, वो एक है किसी दूसरे के बगैर। और श्वेता शातर उपनिषद में है चैप्टर नंबर 6 की उस भगवान के कोई ना माँ बाप है और ना ही कोई पालने वाला है, ना कास्य कशित जनिता न कदीपय। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहरा नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो हिंदुइज्म का जो एक्चुअल बिलीफ है वेदास से वो क्या है कि भगवान एक है, वो फॉर्म नहीं लेता, वो भगवत गीता है जो स्मृति है, जो हैंड रिटन है। और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला किसी बॉडीली फॉर्म में नहीं आते, इंसानों में से एक इंसान को चूज करते हैं और उस पर वही भेजते हैं तो वो दूसरों को गाइड करता है, उसकी पोजीशन एक गाइड की हादी की और रहबर की होती है और बशीर और नज़ीर की होती है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी पे बिलीव किया जाने लगा, लेकिन ट्रिनिटी के एक्चुअल चीज ट्रिनिटी वर्ड तो पूरा बाइबल में कहीं मौजूद ही नहीं है। खुदा तीन का तीसरा है, तीन खुदा है, वो है ही नहीं। बल्कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी आप देखें तो ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उससे बहुत क्लियर है मसीह अलैहिस्सलाम की पोजीशन भी। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स 22 में है कि ओ इज़राइल
tell me. Listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved by God. Hey, Israel. सुनो, ध्यान से सुनो. यसु नासरी, खुदा का मंजूर करता एक बंदा, एक इंसान था. Showed miracles, wonders, and signs which God did through him, and you are also witness to it. जो निशानियां और मौजज़ात दिखाता था और जो अल्लाह ने उसके जरिए, खुदा ने उसके जरिए किया था, और तुम भी गवाह हो. You are aware of it. तो ये देखिए, मसीह अलैहिस्सलाम की पोजीशन इतनी वाज़ेह है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में. Jesus of Nazareth, a man approved by God, a man accredited by God. एक आदमी जो कि मंजूर करता है खुदा का, अप्रूव किया हुआ है खुदा का. तो ईसाइयत में भी हम देखेंगे कि जो प्रॉफिटहुड का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, वही ईसाइयत में भी है. लेकिन क्रिश्चियंस ट्रिनिटी पर बिलीव करने लगे, जो कि एक्चुअली सही नहीं है. तो लिहाजा अल्लाह ताला बॉडीली फॉर्म में नहीं आता, वो पाक है इससे कि वो कोई ह्यूमन फॉर्म ले. उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा. जज़ाकअल्लाहु खैर.